स्टूडेंट्स, मैं डीडी रॉय डीडी एकेडमी के तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो को देते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। देखिए, समय और काम पे कभी मैंने ही ऊपर गुना नीचे जोर का दिया था। उसके बाद मैंने ब्लॉक मेथड स्टार्ट किए। उस वक्त तक मेरे को इस अंदाज से भी किए जा सकते हैं ये मेरे को दिखा नहीं था। और एक चीज तो अवश्य बोल सकता हूं, मेरे जानकारी के अनुसार इस इंडस्ट्री में यह पहली वीडियो है। इसमें आप समय और काम के जो 29 टाइप्स हैं, जिसमें 19 टाइप जो है वो आपके समय और काम से है, 10 जो है आपके नल और हौजा से है, ये 29 टाइप के सवाल को आप कर सकते हैं केवल एक नियम से। आप चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं या एलआईसी की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये नियम एक जो है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये आपके सारे चैप्टर्स के हर तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सक्षम है, और वो भी अत्यंत ही सरलता के साथ। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला मैं बोलूंगा कि मैंने सवाल को लिखा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स को मैंने एक ही वीडियो में लेने की कोशिश किया है, तो जगह की कमी और इन चीजों को सोचते हुए मैंने सवाल को ऐसे लिखा है। जैसे टाइप वन, पहला टाइप जो है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ए प्लस बी मतलब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। देखिए, इस जब सवाल को करना है तो हम एक ईंटे के हिसाब को लेते हैं, ब्रिक्स की, और हमारे दिमाग में सारी चीज ना बिना किसी उलझन के बड़े सरलता के साथ हो जाता है, क्योंकि हम जिस चीज को बोल रहे हैं, जिस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें दिखता है। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, ए 15 दिन में, बी 30 दिन में करता है। इन दोनों में मेरे को एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे वो संख्या से ये 15 से वो संख्या भाग चली जाए, 30 भी भाग चली जाए। तो देखो, 15 और 30 है, अगर मैं 30 लेता हूं, 15 दूनी 30, तो 30 से 15 कटेगा, 30 से कम 30, 30 कटेगा, तो ये 15 और 30 के हम 30 ले लेते हैं। देखिए, इस तरह के चूंकि मैं 18 से 19 सवाल को करूंगा और सब में ये विधि है, तो ये आपको करते करते पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम पकड़ क्या लेते हैं, ये देखो 30 ईंटा है, ए 15 दिन में 30 ईंटा उठाता है, तो एक दिन में कितना ईंटा उठाएगा, 2 ईंटा प्रतिदिन। हर दिन अगर 2 ईंटा उठाता है तो 15 दिन में वो 30 ईंटा उठाएगा, तो ए हर दिन 2 ईंटा उठाता है। अब बी देखो, 30 दिन में 30 ईंटा उठाता है, मतलब एक दिन में कितना उठाएगा, 1 ईंटा। अब जब दोनों मिल जाएंगे आपस में तो क्या होगा दोस्त, ए 2 ईंटा उठा के घर में रखेगा, बी 1 ईंटा उठा के घर में रखेगा, तो दोनों मिलके हर दिन कितना करेंगे, 3 ईंटा करेंगे। और ईंटा कितना उठा के लाना है बाहर से, 30 ईटा है, तो दोनों मिलके 3 ईटा अगर उठाते हैं, 30 से हम 3 भागा दे देंगे, तो 10 दिन में काम हो जाएगा। तो देखिए, ये जो चीज है अत्यंत ही सहज है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम डीप और मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल को करेंगे, तब देखेंगे कि हम जो हम मेथड हम करते हैं उस मेथड से ये मेथड काफी आसान है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक सिस्टम का ही एडवांस ब्लॉक सिस्टम है, और समझने के लिए चीजों को दूसरों तरफ से किया, इसलिए बहुत सारे ब्लॉक्स को मैंने यहां से हटा दिया है कि चीजें हमें दिखे। अब दूसरी तरह की दूसरे टाइप की सवाल लेते हैं, ए और बी दोनों मिलके 15 दिन में किसी काम को करता है, बी अकेले 60 दिन में करता है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा। फिर से सवाल को दोहराता हूं, ए और बी 15 दिन में दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, बी जो है
अकेले उसी काम को 60 दिन में करता है, ए अकेले कितने दिन में करेगा। जब देखिए इन दोनों संख्या में है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे दोनों भागा जाए। तो चलो हम 60 लेके पहले देखते हैं, 15 से अगर काटेंगे तो कटेगा 15 चौके 60 और 60 का होगा 60 एकम 60, तो फिर ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे 60 ले लिए। अब वही बात है, ए और दोनों बी दोनों मिलके 15 दिन में 60 ईटा उठाते हैं, तो एक दिन में कितना उठाएंगे, 4 ईटा उठा के लेके आएंगे। तो ए और बी 4 ईटा उठा के लाते हैं, बी अकेला जब उसी काम को करता है, बड़ा निठल्ला है, तो 60 दिन में केवल 60 ईटा उठाता है, मतलब एक दिन में कितना करता उठाता है, एक ईटा। देखिए ये जो है ये हम ये तो मुझबानी होता है, इसमें कहीं पर भी आपको कुछ कागज कलम की भी जरूरत नहीं है अगर थोड़ा सा स्मार्ट भी करते हैं। अब देखो पूछा है ए का, अब दोनों मिला के 4 ईटा उठाता है, बी अकेले 1 ईटा उठाता है, तो ए कितना उठाएगा, स्वाभाविक है 4 से 1 घटा देंगे तो 3 ईटा उठा के लाएगा। अगर 3 ईटा एक दिन में उठा के लाता है तो 60 ईटा उठाने के लिए कितना दिन चाहिए, तो हम 60 को 3 से भागा दे दिया, हो गया 20 दिन। एकदम आसान, सहज, सरल। अब देखिए 3 दिन वाला भी कितना आसानी से हम करते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है, सी किसी काम को 40 दिन में करता है। अब पूछा गया है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, देखो ए 15 दिन में अकेले काम करता है एक काम को, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, सी उसी काम को 40 दिन में करता है। पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे। अब देखिए जब हम 60 को लेते हैं तब देखते हैं कि 40 जो है 60 से नहीं कटेगा, तो हम ये सबसे बड़ी संख्या है इसको दुगुना करके देखते हैं। जैसे 60 को दुगुना करते हैं तो 120 हो जाता है। अब जरा देखते हैं, 15 अठे 120 होता है, 60 दूनी 120 होता है, 40 तिया 120 होता है, तो ये एक तरह से ये लसा है। तो लसा को हम निकालते हैं अपने तरीके से, हम लसा को काटने नहीं जाते हैं, हम जो बड़ी संख्या का दुगुना तिगुना करके उसमें देखते हैं कि ये दोनों संख्या से भागा जाता है कि नहीं, जैसे अभी हमने किया। अब देखिए 120 ईटा उठाना है, ए को अगर 15 दिन में 120 ईटा उठाना है तो हर दिन कितना उठाएगा, 15 अठे 120, तो मतलब 8 ईटा उठाएगा, 8 ब्रिक्स पर डे। अब बी अगर 60 दिन में 120 ईटा उठाता है तो एक दिन में कितना उठाएगा, 2 ईटा उठाएगा। सी अगर 40 दिन में 120 ईटा उठाता है तो एक दिन में कितना उठाएगा, 3 ईटा पर डे। अब तीनों मिल जाएंगे तो ए एक दिन में 8 उठाता है, बी 2 उठाता है, सी 3 उठाता है, तो 8 2 10 और 3 13 ईटा हर दिन ये लोग उठाएंगे। ईटा कितना है, 120, तो हम क्या देंगे, 120 को 13 से भागा देंगे तो होगा 9 पूर्णांक 3/13, क्यों 13 9 117 और 3 120। तो देखिए ये जो है आप भी जानते हैं, जैसे हम रेगुलर सिस्टम में करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है भिन्न के, उन चीजों को हम हटा देते हैं और हमारे नजर में भी आता है, मैं समझ में आ रहा है कि 120 ईटा उठाना था, एक दिन में 8 ईटा उठाता है, बी 2 ब्रिक्स उठाता है, सी 3 ब्रिक्स उठाता है, तीनों मिलके 13 ईटा उठाएंगे, 120 ईटा है, कितना दिन में उठेगा भैया, 120 को 13 से भागा दे दिया, 9 पूर्णांक 3/13। तो आप कोई नहीं बोल सकता है कि इस तीनों टाइप में से ये मैं आप बोलता हूं, आप बोलेंगे मैंने इससे झगड़ा करने के लिए कि भाई एसएससी सीजीएल में नहीं आता है, मैं भी मानता हूं यार, लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे आपके एसएससी सीजीएल को भी हम देखेंगे और जीडी में ऐसे सवाल आते हैं, सीपीओ में भी कभी कभी ये सवाल आते हैं, पटवारी वगैरह में तो आते ही हैं, तो ये हर किसी के, रेलवे में भी अगर आते हैं, अगर ग्रुप डी की बात करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। अब टाइप 4 है, अब देखिए यहां से आपका सीएचएसएल सीजीएल सब शुरू हो गया, यहां तक कि आपके रेलवे में भी इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है,
बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, फिर बोला जाता है ए और बी 3 दिन मिलके काम पूरा करते हैं, बाद में ए चला जाता है। देखो ये सवाल बहुत होते हैं ना, ए चला जाता है, बी बचे हुए काम को कितना दिन में पूरा करता है। फिर से दोहराता हूं, ये बहुत ही कॉमन है और मेरे पास लड़के बहुत सारे ऐसे सवाल को भेजते हैं। तो ए 15 दिन में किसी काम को पूरा करता है, बी 60 दिन में पूरा करता है, फिर क्या बोलता है ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद जो है ए चला जाता है, बी शेष काम को कितना दिन में करेगा। हम तो पहले भैया मेरे पास 15 और 60 है, हम इसकी लसा ऐसे निकालेंगे तो 15 और 60 में हम 60 लेते हैं, हम जानते हैं 15 चौके 60 होता है, ये 60 लिख दिया। अब देखो ए 15 दिन में 60 ईंटा उठाता है तो एक दिन में कितना उठाएगा, 4 ईंटा उठाएगा। बी 60 दिन में 60 ईंटा उठाता है तो एक दिन में कितना ईंटा उठाएगा, 1 ईंटा उठाएगा। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना ईंटा उठाते हैं, 4 और 1 5 ईंटा उठाते हैं। 3 दिन तक ए प्लस बी काम किया तो मतलब कितना ईंटा उठाया, 15 ईंटा उठाया। अब 60 ईंटा उठाना था, 15 ईंटा उठ गया तो बचा कितना रह गया, 45 ईंटा बचा हुआ है जिसको बी को करना है। अब बी क्या है, बड़ा ही आलसी है, वो दिन में 1 ईंटा उठाता है, तो 45 ईंटा उठाने के लिए बी को कितना चाहिए, 45 दिन चाहिए। अब आप खुद सोचो यार, मेरे को खुशी क्यों हुआ, इतने आसानी से क्या मैथ बन जाते हैं, लगता है कि हम क्लास 7th के मैथ को कर रहे हैं। चलिए अब 5th टाइप को देखते हैं। ए 16 दिन में किसी काम को करता है, बी 48 दिन में किसी काम को करता है, फिर क्या होता है कि ए पहले काम शुरू करता है, बी नहीं आता, ए अकेले 8 दिन तक काम करता है, फिर बोलता है दोनों मिलके ए और बी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी बचे हुए दिनों में दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए पहले 8 दिन का काम करता है। हमारा तो देखो 48 और 16 है, हम जानते हैं 16 या 48 जाता है, तो हम 48 को जो है हम उसको लसा निकालते हैं और हम 16 से जब 48 को भागा देते हैं तो हमारा क्या होता है, 48 16 48 मतलब 3 ईटा प्रतिदिन। जब बी जो है 48 ईटा हर दिन उठाता है, सॉरी 48 दिन में 48 ईटा उठाता है तो एक दिन में कितना ईटा उठाएगा, 1 ईटा। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना ईटा उठाएंगे एक दिन में, 4 ईटा, 3+1। अब देखिए ए अकेले पहला 8 दिन तक काम किया था तो ए अकेला हर दिन ए 3 ईटा करके उठाता था तो 8 दिन में कितना ईंटा उठाया, 24 ईंटा उठाया। अब 48 में से 24 ईंटा अगर उठा लिया उसने तो बचा कितना रहा, 24 ईंटा, कह के 48 से अगर हम 24 घटाएंगे तो 24 ईंटा। अब है कि दोनों मिलके अब काम करना शुरू करेंगे, कह के शेष दोनों बोला हुआ है तो ए 3 ईंटा उठाता है, बी 1 ईंटा उठाता है तो दिन का 4 ईंटा उठाता है, 24 को 4 से भागा दिया, 4 × 6 = 24, 6 दिन हो गया। अब तो आप नकार नहीं सकते हैं कि ये सीजीएल में नहीं आता है या बैंक में नहीं आता है, बड़े आराम से आता है, हम तो और भी टिपिकल मैथ को इसी सिस्टम से करके देखेंगे। अब चलिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, उसी काम को, फिर क्या बोलता है, बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला जाता है। अब बी चला गया काम छोड़ के तो कौन काम करेगा, ए करेगा। तो पहले हम देखते हैं ए कितना, 3 दिन पहले बी चला गया था तो फिर ए अकेले 3 दिन तक काम किया, तो फिर हम देखते हैं इसमें क्या, पहले 40 और 20 है, क्या होगा इसका लॉस, 40 होगा एलसीएम। अब ए 20 दिन में 40 ईंटा उठाता है, 40 ब्रिक्स उठाता है तो एक दिन में कितना होगा, 2 ब्रिक्स पर डे उठाएगा। बी 40 ब्रिक्स 40 डेज में 40 ब्रिक्स उठाता है तो बी मतलब 1 ब्रिक पर डे उठाएगा। ये तो हो गया, पहले बोला है कि ए बी, अब देखो और क्या बोला है, मेरे पास एक ही हिसाब है, बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला जाता है
तो वो 3 दिन जो था ए अकेले काम किया था, और उसके पहले ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे थे। अब देखो ए अकेले 3 दिन काम करता है, ए 2 ईंटा करके उठाता था, तो ए जो है 6 ईंटा उठाया। अब बचा कितना भैया? अगर 40 से हम 6 घटा देते हैं, क्या है कि 3 दिन में ए ने 6 ईंटा उठाया, तो बचा था 34 ईंटा जो दोनों मिलके उठाए थे, तो 2 और 1 3, तो 3 ईंटा हर दिन उठाया था, उठाया जा रहा था, और 34 ईंटा को उठाने के लिए 34 भागा 3 बराबर 11.1/3 दिन। तो मतलब ए और बी मिलके 11.1/3 दिन काम किया। और कहीं कहीं ये भी सवाल में पूछा जाता है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो फिर ए का अकेला 3 दिन का काम भी इसमें जोड़ देना है, तो वो 14.1/3 होगा। तो इसको समझिए, फिर एक बार बोल देता हूं। देखो ए 20 दिन में कोई काम करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, फिर कंडीशन बोला जाता है कि बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला जाता है, मतलब वो 3 दिन केवल ए अकेले काम करता है। हम पहले लसा निकालते हैं 40, अब हम करते हैं कि ए 20 दिन में 40 ईंटा उठाता है, तो मतलब 1 दिन में कितना उठाएगा? 2 ईंटा उठाएगा। बी 40 दिन में 40 ईंटा उठाता है, तो बी मतलब 1 दिन में 1 ईंटा उठाएगा। अब पहले बोला, अब तो यहां से हमें पता चल गया कि ए 3 दिन तक अकेले काम किया था, तो ए 2 ईंटा 1 दिन में उठाता है, तो 3 दिन में 6 ईंटा उठा के लेके जाएगा। अब 40 ईंटा था ही था, तो उसमें से 6 ईंटा घटा दिया, तो 34 ईंटा बचा। अब 34 ईंटा इन दोनों ने एक साथ काम किया होगा, और दोनों जब साथ में काम कर रहे थे, ए 2 ईंटा उठाता था, बी 1 ईंटा उठाता था, मतलब 3 ईंटा, तो 34 से हमने 3 भागा दिया, 11.1/3 दे। देखो दोस्त, ये समझ में भी आता है, लिखने का तो छोड़ो, अगर थोड़ा सा स्मार्टली करते हो तो मुझबानी कर सकते हो, जो आज तक आप सोचते नहीं थे कि इसे आप मुझबानी कर सकते हो। तो इस विधि को नकारना नहीं दोस्त, इस विधि को करना, तो कम से कम तुम्हें देखो हर जगह पे मिनिमम 2 सवाल इस पे आते हैं, 2 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। अब आता है क्या, देखो बोला गया कि ए 1/3 काम को 5 दिन में करता है, बी 1/4 काम को 5 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? देखो ए 1/3 5 दिन में करता है, तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, तो क्या होगा? 3 से 5 गुणा करेंगे तो यहां 1 रह जाएगा, तो ए 1 काम मतलब पूरा काम 15 दिन में करेगा। बी देखो 1/4 काम 5 दिन में कर रहा था, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 यहां बचेगा, तो बी 1 काम 20 दिन में करेगा। अब हमारे पास आ गया क्या, ए काम को 15 दिन में करता है, बी काम को 20 दिन में करता है। अब देखो 20 और 15, अब इसका हम लसा क्या लेंगे? अगर हम देखो 15 का 20 बड़ी संख्या है, 20 दूनी 40 करते हैं तो 15 से भागा नहीं जाएगा, 20 दिया 60 करते हैं तो हाँ, देखो 15 का 4 गुना 60 होता है, 20 का 3 गुना 60 होता है, तो मतलब 60 सही है। अब देखो ए 15 दिन में 60 ईंटा उठाता है, तो 1 दिन में कितना ईंटा उठाएगा? 4 ईंटा। बी 20 दिन में 60 ईंटा उठाता है, तो बी 1 दिन में कितना उठाएगा? 3 ईंटा। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? 4 और 3 7 ईंटा प्रतिदिन उठाएगा, और उठाना कितना है? 60 ईंटा। तो 60 बटे 60 7 60 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 8.4/60, क्या है कि 7/8। ओहो, यहां पे एक मिस्टेक हो गया है दोस्त, यहां पे 7/8 56, यहां पे जो है ये 60 नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, नीचे आपका 7 है, 7 और 60 जो है ये बोलते वक्त में वो ऐसे चला गया है, ये 7 होगा, तो क्या होगा? 8.4/7 दिन, ये आपका इस जगह पे नहीं होगा, ये इसकी करेक्ट आंसर होगी, 8.4/7 दिन। अब आते हैं, अब टाइप 8 देखते हैं।
देखो एक बटे तीन काम ए जो है एक बटे तीन काम 5 दिन में करता है, बी एक बटे चार काम 5 दिन में करता है, सी एक बटे छह काम 5 दिन में करता है। तो पूछा गया ए बी सी कितने दिन में करेंगे। अब देखो ये सारे सवाल यहां इतना आसान लग रहे हैं क्योंकि इसमें शब्द कम है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सीधा 3 से 5 किया जैसे गुना कर दिया तो ए 15 दिन में करेगा, 4 से 5 को गुना कर दिया तो बी 20 दिन में करेगा, सी का है तो 6 से 5 को गुणा कर दिया तो सी 30 दिन में करेगा। अब इसका अगर हमें क्या कहते हैं लसा लेना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को 30, 30 को आप 15 दूनी तो 30 होता है लेकिन 20 से भागा नहीं जाएगा 30, तो फिर हम 30 को दुगुना कर देते हैं 60। अब देखते हैं हाँ 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो हम 60 ले लेते हैं। अब देखो 15 दिन में ए को 60 ईंटा उठाना है तो हर दिन वो 4 ईंटा उठाएगा, बी 20 दिन में 60 ईंटा उठाएगा तो मतलब बी हर दिन 3 ईंटा उठाएगा, सी जो है 30 दिन में 60 ईंटा उठाएगा तो सी 30 दूनी 60 मतलब 2 ईंटा हर दिन उठाएगा। तो तीनों अगर मिल जाएंगे तो 4 3 7 2 9 ईंटा हर दिन उठेगा, तो पूरा ईंटा उठाने में कितना लगेगा, 60 डिवाइडेड 9 तो 6 9 54 इस बार ठीक हुआ है, 6/9 मतलब 6 पूर्णांक 2/3 दिन होंगे। अब आते हैं टाइप 9। ए 15 दिन में किसी काम को करता है, बी 20 दिन में किसी काम को करता है, सी 40 दिन में किसी काम को करता है और इस काम को करने के लिए उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो 1700 रुपये का मिला था। अब पूछता है भैया किसको कितना रुपया मिला। देखो ये भी एक टाइप है ना, और ये इस टाइप को आप काफी हेवी टाइप समझते हो, ठीक है ना, जब 3 जन आ जाते हैं क्या कि बड़ी लंबी चौड़ी हिसाब होती है। अब यहां हमारे पास कितने छोटे में बन जाते हैं, देखो पहला देखो 40 20 15 है, बड़ी संख्या 40 है, 40 को आप 15 से भागा नहीं जाएगा तो 40 दूनी 80 किया, 15 से तो भी नहीं जाएगा 20 से तो चला जाएगा, फिर 40 तिया 120 किया, हाँ 15 8 120 होता है, 20 6 120 होता है, 40 तिया 120 होता है, तो मतलब यहां 120 बैठेगा। अब 120 बैठेगा तो कि 15 दिन में एक काम करता है 120 ईंटा उठा के लेके आता है तो हर दिन कितना उठाएगा, 15 8 120 मतलब 8 ईंटा हर दिन, बी जो है 20 दिन में 120 ईंटा उठाता है तो मतलब बी जो है 6 ईंटा 20 6 120 6 ईंटा हर दिन उठाएगा, सी 40 ईंटा उठाता है तो 120 ईंटा उठाने के लिए सी को 3 ईंटा प्रतिदिन लगेगा। अब बोलता है भैया एक दिन में टोटल कितना हुआ, 8 6 14 3 17 ईंटा सही हो गया, 17 ईंटा में ए 8 ईंटा उठाता है तो 8/17 ए का हिस्सा क्या हुआ, 8/17 और कॉन्ट्रैक्ट कितना था 1700 रुपये में, 17 को 17 से काटा तो 17 यहां 100 हुआ, 100 को 8 से गुना किया तो 800 रुपया मिला। अब देखो बी का क्या है, बी को बी हर दिन 6 ईंटा उठाता है और हर दिन ईंटा कितना उठ रहा है 17, तो बी का हिस्सा हुआ 6/17 गुना जो है कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पैसा 1700, 1700 17 को 1700 से काटा तो 100 होगा, 100 को 6 से गुना किया तो 600 होगा। अब देखते हैं सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा जो है वो 3/17 है, क्यों भैया 3 ब्रिक्स है और 17 ब्रिक्स टोटल था 3/17, अब 17 को है 1700 रुपया चार्ज है, 17 से 1700 काटा तो 100 रुपया, 100 को 3 से गुना किया तो 300 रुपया सॉरी। तो फिर हम देखते हैं क्या, बड़े प्यार से और अगर थोड़ा मुझवानी भी करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है दोस्त, कहीं से कोई पॉसिबल नहीं, ऐसा है ही नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये सारे सवाल हम कर रहे हैं, देखो ये तो मैंने लिखा, आप क्या लिखोगे इन चीजों को, नहीं लिखोगे ना, आप तो ए डैश मारोगे 800 लिखोगे, बी डैश मारोगे 600 लिखोगे, सी डैश मारोगे 300 लिखोगे, यहां ब्रिक्स पर डे थोड़े लिखने वाले हो, ए डैश 8 6 3 लिख के निकल जाओगे। तो कहने का मतलब है कि कितना जल्दी हो सकता है, आप जितना जल्दी सोचते थे उससे भी थोड़ा जल्दी है ना ये। चलिए और देखते हैं, अभी 9 नंबर है, बहुत दूर तक जाना है।
और आप ये तो बिलीव करने लगे हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके बड़े बड़े किताबों में आर एस अग्रवाल से सारे किताबों दिया वो भी कवर हो रहा है उस टाइप का, और एग्जाम में जो काफी प्रचलित है वो सारा कुछ कवर हो रहा है, और वो भी पटवारी से लेके आपका एसएससी की सीजीएल तक, बैंक सब कुछ। अब आते हैं एक 10 नंबर टाइप। देखो ए प्लस बी 15 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 20 दिन में काम करता है, सी प्लस ए 10 दिन में काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये मेरे को बहुत सारे लड़कों ने दिया था, मैं जानता हूं इस सवाल में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो देखो ए प्लस बी, यहां भी बी है यहां भी बी है, यहां भी ए है यहां भी ए है, यहां भी सी है यहां भी सी है, तो मतलब सारे कैरेक्टर जो है दो दो बार करके आए हुए हैं, ठीक है ना। और पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो पहले तो हम वही करते हैं भैया, 30 20 और 15 है तो हम जानते हैं 30 को, 30 बड़ी संख्या है लेकिन 20 से अगर 30 में भागा देंगे तो नहीं जाएगा, तो 30 को पहले 2 से गुणा करके देखते हैं, 30 दूनी 60, हाँ 20 दिया 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, मतलब 60 हुआ। अब देखो ये 2 कहां से आया, पहले तो हम पहले लासा करके ले रहे थे, जी हाँ ये 2 जो है ए 2 केस है, बी 2 केस है, सी 2 केस है, इसके लिए ये 60 गुना 2, ये लासा को खाली हमने 2 से गुना कर दिया। अब देखते हैं क्या हुआ, यह क्या हो गया, बेसिकली 120 हो गया। अब देखो ए प्लस बी 15 दिन में 120 ईंटा ढोता है, तो एक दिन में कितना ईंटा ढोएगा, अब देखो ए जो ए प्लस बी जो मतलब जो ढोएगा वो खाली हम यहां पे चूंकि दुगुना करके बी को हमने काट दिया यहां से, तो ये 15 8 120 ये ए के नाम पे चढ़ेगा, बी का जो है बी प्लस सी है, ये हम सी को कैसे काटे हैं इस 2 से गुना करने के चक्कर में, बस इतनी सी समझ चाहिए और यहां कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 20 बी जो है 20 120 है, 20 छक्के 120, बी 6 ब्रिक्स पर डे उठाता है। सी जो है 30 डेज में 120 मतलब 4 ब्रिक्स पर डे उठाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों जन के मिलकर कितना उठाएंगे, 8 6 12 14 14 4 18 ब्रिक्स पर डे उठाएंगे, और ईटा कितना है भैया, 120 ईटा है, ईटा है। अब तीनों मिलकर करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है ना, तो होगा 6 पूर्णांक 12 बटे 18। अब 12 और 18 जो कटेगा, 6 दूनी 12 6 3 18। अब आते हैं 11 नंबर। देखिए अब हम थोड़े से डीप में जा रहे हैं। 11 नंबर में क्या है, ए 12 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, और वो वर्क्स अल्टरनेटली मतलब हर दिन केवल एक जन काम करता है। देखिए ये आपके बहुत बार दिए गए हुए और लड़के इसमें बड़ी लंबी चौड़ी हिसाब होती है, और ये आपके नल में भी दिया जाता है, एक नल बंद रहता है, दूसरी नल एक आधे घंटे के लिए चलता है, फिर दूसरा नल खुला जाता है वो आधे घंटे के लिए चलता है। सब में हमें क्या करना है, पहला 12 और 15 इसका क्या होगा, बड़ी संख्या 15 है, 15 दूनी 30 12 नहीं जाएगा, 15 तिया 45 12 नहीं जाएगा, 15 चौके 60 12 पचे 60, तो ये 60 बैठेगा। अब 12 दिन में 60 ईंटा उठाना है तो एक दिन में कितना ईंटा, ए महाराज उठाएंगे 5 ईंटा, बी जो है 15 दिन में 60 ईंटा उठाता है तो बी 15 चौके 60 बी 4 ईंटा उठाएगा। तो हर 2 दिन में, पहला दिन ए काम किया 5 ईटा उठाया, बी काम किया 4 ईटा उठाया, तो हर 2 दिन में 9 ईटा उठाता है, ठीक है, 9 ईटा है, हम जानते हैं 6 9 54 6 9 54 मतलब 6 जोड़े दिन में मतलब 12 दिन में 54 ईटा दोनों सबने उठा लिया। अब बचवा क्या, बचा क्या है, 54 ईटा तो उठ गया 12 दिन में, क्या कि 2 दिन में एक पहला दिन ए काम करता है दूसरा दिन बी काम करता है दोनों मिलके 9 ईटा उठाता है, तो 6 जोड़े दिन या 12 दिन बोलिए उसमें 54 ईटा उड़ गया, तो बचा कितना है भैया, 6 ईटा बचा हुआ है,
तेरहवां दिन फिर ए का आता है, ए का आता है तो छह ईटा में से ए जो है पांच ईटा उठा लेता है। अब चौदहवां दिन बी का आता है, बी तो दिन भर में चार ईटा उठाता था, अब लेकिन एक ही ईटा उठाना है तो दिन वो एक बटे चार दिन काम करता है। तो देखो तेरह दिन सबने काम किया, बारह दिन एक ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने, फिर बी ने, इस तरह करके बारह दिन को तो जोड़े में काम हुआ। फिर तेरहवां दिन जो है ए काम किया, फिर एक ईंटा बचा हुआ रहा जो चौदहवें दिन में बी ने उठाया, तो हम उसको चार ईंटा उठा सकता था, एक ईंटा उठाया मतलब वो एक बटे चार काम किया। तो क्या हुआ यहां तक, तो तेरह दिन का तेरह हो गया और एक बटे चार ये आ गया, तेरह पूर्णांक एक बटे चार। अगर जो आप लोगों ने इस सवाल को करते हैं, मतलब आपका हैबिट था करने का, उन्हें तो जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि यहां पे भी अगर आंख बंद करके सोचो तो फिर कॉपी की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब टाइप 12 में देखते हैं। दो आदमी या पांच लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तीन आदमी और सात लड़के कितने दिन में करेंगे? देखो दो आदमी पांच बॉय और 10 दिन, गुना कर देना यार सबको, 10 पचे 50, 50 दुनी 100, यहां पर हम 100 लेते हैं, ठीक है ना, यहां हम 100 ईंटा पकड़ते हैं। कैसे किया, 10 को 5 से गुना किया, 5 को फिर 2 से गुना किया। अब दो आदमी 10 दिन में, दो आदमी 10 दिन में काम करता है, तो हम उसको 2 गुना 10 बराबर 20 आदमी मानते हैं, ठीक है ना, इसको दिवस बोलते हैं। दो आदमी एक दिन में कितना काम करता है, दो आदमी है ना, दो दिवस काम करता है, 10 दिन में कितना करेगा, 20 दिवस काम करेगा, मतलब दो आदमी को 10 से गुना किया 20, 20 को हमने 100 से 100 में 20 का भागा दिया तो मतलब 5, मतलब एक आदमी एक दिन में 5 ईंटा उठाता है। चलो इसको करके भी देख लेते हैं ना, एक आदमी एक दिन में 5 ईंटा उठाता है, दो आदमी एक दिन में 10 ईंटा उठाएगा, तो फिर क्या है, दो आदमी 10 दिन में कितना उठाएगा, 10 10 100 उठाएगा। अब देखते हैं पांच लड़के हैं, पांच लड़के 10 दिन में कितना हुआ, 50 हुआ, 100 को 50 से अगर भागा देंगे तो 2 होगा, तो मतलब लड़के जो है 2 ईंटा प्रतिदिन उठाएंगे। अब क्या बोलता है, तीन आदमी हैं, एक आदमी एक दिन में 5 ईंटा उठाता है, तो तीन आदमी एक दिन में 15 ईंटा उठाएगा। सात लड़के हैं, एक लड़का हर दिन 2 ईंटा उठाता है, सात लड़के एक दिन में 14 ईंटा उठाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तीन आदमी और सात लड़के मिलके हर दिन 29 ईंटा उठाएंगे, और ईंटा कितना है उठाना है 100, तो 100 डिवाइडेड 29 बराबर क्या होगा, 3.13/29 होगा। तो देखिए ये भी जो है आप भी करते हैं, तो देखिए ये भी जो है बहुत ही सहजता से है, आप खुद उससे मिलान कीजिए, इससे कीजिए, और डरिए नहीं, कहीं आपकी कोई गलती वलती नहीं होगी, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है काम को डिफाइन कर दिया गया है, काम को ईटा बोला गया है, क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, जो आपको पहले दिखता नहीं था अब आपको भी दिखने लगेगा। तो फिर क्या होगा, इससे भी जब अगर कोई क्वेश्चन आपका टर्न मारता है, जैसे मैं तो आगे भी इसका कुछ देने वाला हूं ना, मतलब अब मैं अपने तरीके से कहा कि मैंने जितना इंडस्ट्री का है वो तो मैं दे दिया, और भी कुछ आते हैं वो भी देखे जरूर एक दो वीडियो करूंगा, जो एकदम टिपिकल होगा उसे भी इस तरीके से हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, फिर कहानी शुरू करता है, ए अकेले 4 दिन करता है, फिर ए चला जाता है, फिर बी अकेले 5 दिन करता है तो भी कुछ काम बच जाता है, ये दोनों भाग जाता है, फिर जो है सी मजूरा को लाया जाता है जो पूरे काम बचे हुए काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो
यहां पे दो संख्या ए और बी का, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, 15 में 10 का तो भागा नहीं जाएगा, 15 दूनी 30 होगा, यस 10 से 30 भागा चला जाएगा, इसलिए यहां 30 लिख दिए। अब ए 30 ईटा उठाता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना उठाएगा, 3 ईटा। बी 15 दिन में 30 ईटा उठाता है, तो बी एक दिन में कितना उठाएगा, 2 ईटा। अब बोलता है ए अकेले 4 दिन काम करता है, तो 4 दिन काम करता है, 2-3 ईटा करके उठाता है, तो 12 ईटा। बी अकेला 5 दिन काम करता है, बी एक दिन में 2 ईटा उठाता है, तो बी 5 दिन में 10 ईटा उठाएगा, तो टोटल ईटा उठ गए 22। 30 ईटा था, 22 ईटा अगर उठा लिया है दोनों ने मिलकर, शेष कितना बचा, 8 ईटा। अब बोलता है शेष काम जो है, बचा हुआ काम क्या था भैया, यही 8 ईटा तो उठाना था जो 8 दिन में करता है, ये तो सबसे निकम्मा निकला, से 1 ईटा प्रतिदिन। अब बोलता है कि ए बी और सी मिलके कितना दिन में करेगा काम, पूरे काम को अगर एक साथ लगाया जाता तो देखो, ए 3 ईटा उठाता है, बी 2 ईटा, 3 2 5 और सी 1 ईटा उठाता है, 6 ईटा हो गया। और ईटा कितना उठाना था, 30 ईटा उठाना था, तो 30 को अगर 6 से भागा दिया तो क्या हुआ, 5 दिन में ये काम हो जाएगा। अब जरा आते हैं टाइप नंबर 14, क्या बोलता है कि 3 आदमी 6 दिन में किसी काम को करता है, 6 W मतलब वोमेन, या 6 महिलाएं 18 दिन में करता है। तो बोला गया कि 2 आदमी या 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। देखो यार, यहां पे हल्का सा हम काम करते हैं, एक आदमी 6 दिन ऐसे, 3 आदमी 6 दिन में काम करेगा तो एक आदमी को ज्यादा दिन लगेगा ना, 6 को 3 से गुना के 18 दिन में काम करेगा। अब 6 महिलाएं 18 दिन में काम करती है तो एक महिला कितना काम करेगा, 18 गुना 6 देश। अब देखो हमारे पास 18 एक संख्या है, 18 को 6 से गुना करते हैं तो 108 होता है, मैंने जानबूझकर 18 गुना 6 लिखा, तो इसका लसा 18 गुना 6 होगा, क्योंकि इससे ये भागा जाएगा एक बार, 18 से इसको भागा देंगे तो 6 बार जाएगा। तो मतलब एक आदमी 6 ईंटा हर दिन उठाता है, एक लड़की चूंकि 18 गुना 6 डेज में काम, 108 दिन काम करता है, 108 ईंटा है, तो एक दिन एक लड़की एक ईंटा हर दिन उठाती है। तो बोला गया कि दो मर्द क्या होगा, दो आदमी, एक आदमी 6 ईंटा उठाता है तो दो आदमी 12 ईंटा प्रतिदिन उठाएगा, 12 लड़कियां हैं, 12 लड़कियां, एक लड़की एक दिन में एक ईंटा उठाती है तो 12 लड़की कितने उठाएगी, 12 ईंटा उठाएगी। दोनों को जोड़ देते हैं तो एक दिन में कितना होता है, दोनों मिलके 2 महिला 12 लड़कियां 24 ईंटा हर दिन उठाती हैं। ईंटा उठाना कितना है, 18 को 6 से गुना करते हैं तो 108 होता है, और हर दिन उठा रहा है 24 ईंटा, तो 108 को हम 24 से भागा देंगे, 108 को अगर 24 से भागा देंगे तो होगा 4 पूर्णांक 12/24, मतलब 12 से कट गया, 12 दूनी 24, तो 4 पूर्णांक 1/2 दिन। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा काम 4.5 दिन में हो जाएगा। अब जरा एक सवाल था, ये सवाल तो 2 बार आया हुआ है और ये बड़ा मजेदार भी है, सीजीएल पैटर्न है। देखो ए प्लस बी 3 डेज में काम करता है, बोला नहीं है किसी ने। अब बोलता है ए अकेले टी प्लस 3 डेज में काम करता है, बी अकेले टी प्लस 12 डेज में काम करता है, टी कितने दिन में करेगा। देखो ये इसी के बेसिकली आश्रित है, लेकिन इस तरह से लसा निकालने की इसमें जरूरत नहीं होता है, इसके लिए मैंने उसकी सिंप्लिसिटी को रखी दिया है। तो क्या किया हमने, टी प्लस 3 को ले लिया और टी प्लस 12 को ले लिया, तो नेचुरली इसको गुणा करेंगे तो टी को टी से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर होगा, और 3 को 12 से गुणा करेंगे तो 36 होगा, टी स्क्वायर बराबर 36, टी बराबर 6। अब बोलेंगे सर ये कहाँ गया, 12 को टी से करेंगे 12 टी, 3 को टी से करेंगे 3 टी। तो देखो ये जो समीकरण है, समीकरण में ये आपस में जो है कट जाते हैं जब इसे पूरा करेंगे, लेकिन इसे छोटे में करना था और इस टाइप में कुछ ज्यादा आप चेंजेस कर ही नहीं सकते हो, तो इसके लिए इसको मैंने सिंप्लिसिटी में रख दिया है, क्योंकि इस टाइप के सवाल में जो है यही होता है दोस्त, क्या कि इसमें करने का जगह, मतलब आपके क्वेश्चन को
टर्न मारने का जगह कम है इसमें, तो इसके लिए मैंने इसको यहां पे रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, अब 16 में आते हैं। अभी बोला जाता है एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 3 दिन में करता है, मर्द उसी काम को 6 दिन में करता है, बच्चा उसी काम को 18 दिन में करता है, तो औरत उसे कितना दिन में करेगा। तो मेरे पास देखो 18, 6, 3, 3 फिगर है, तो हम जानते हैं 18 लेते हैं तो अगर लसा करते हैं 18 कम 18 होगा, 6 3 18 होगा, 3 6 18 होगा, मतलब 18 इज फाइनल। तो मर्द औरत और बच्चा जो है 18 ईंटे को 3 दिन में उठा लेता है, तो मतलब एक दिन में कितना उठाता है, 6 3 18 6 ईंटा। वही मर्द जो है 6 दिन में 18 ईंटा उठाता है, मतलब 3 ईंटा पर डे करता है। बच्चा जो है 18 ईंटा 18 दिन में उठाता है, तो मतलब एक दिन में 1 ईंटा उठाता है। अब हम जोड़ लेते हैं, तीनों मिलके 6 ईंटा उठाते हैं, एम प्लस डब्ल्यू प्लस बी 6 ईंटा उठाते हैं, जबकि मर्द और बच्चा मिला के केवल 4 ईंटा उठाता है। तो 6 से 4 घटा दिया तो क्या हुआ, औरत 2 ईंटा उठाती है। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर औरत 2 ईंटा हर दिन उठाती है तो 18 ईंटा उठाने के लिए अकेला जब काम करेगी तो उसे 9 दिन की जरूरत होगी। मेरे को लगता नहीं है कि कहीं पर भी ये चीजें आपको फंसना चाहिए, नहीं होना तो दोस्त इसे जरा ध्यान से 2-3 बार देख लेना, आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं टाइप 17। ए किसी काम को अकेले 4 घंटा में करता है, फिर बोलता है बी प्लस सी 3 घंटे में करता है, फिर ए प्लस सी 2 घंटा में करता है, तो बी अकेला कितना घंटे में करेगा। देखो ए अकेला 4 घंटा दे दिया है, बी का अकेला पूछता है, बीच में जो है आपको पेयर में दे दिया, बी प्लस सी 3 घंटा में करता है, ए प्लस सी 2 घंटा में करता है। तो सीधी सी मतलब है हमें देखो बी से सी छांटना है, तो डायरेक्ट तो सी का कहीं वैल्यू है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ए प्लस सी से पहले ए घटाएंगे तो हमें सी की वैल्यू मिलेगी, इस सी की वैल्यू को बी प्लस सी से घटा देंगे तभी मेरे को बी की वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहां पे मैंने जो है यहां पे आपका ईटा वाला हिसाब नहीं रखा है, क्यों, मेरे को ईटे के हिसाब से नहीं है, यहां तो वही ऊपर गुना नीचे जोड़ या ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, उस फॉर्मूले को यहां इस्तेमाल कर लिया, कहे कि ये यहां पे बड़ी सरलता से हो जाता है, क्यों मेरे को a प्लस सी से a घटाना है दोस्त, तो ऊपर गुना नीचे घटाओ 2 और 4, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, 4 से 2 घटा दिया तो 2 हुआ, 2 से 2 कट गया तो 4 घंटा। तो a प्लस सी से a अगर घटा दिया तो हमें क्या निकला, C का वैल्यू निकल गया, और हमें जाना कहां है, B के वैल्यू में, तो फिर हम B प्लस C से C को घटा देते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे तो B की वैल्यू निकलेगी ना, B का ही तो पूछा हुआ है ना। अब अगर घटाएंगे तो क्या होगा, अब हमें देखो C 4 घंटे में, B प्लस C 3 घंटे में, अब घटा रहे हैं, फिर है ऊपर गुना 4 और 3 को गुना किया, नीचे घटाओ ज्यादा से कम, 4 से 3 घटा दिया, 1 4 3 12, मतलब B 12 घंटे में काम करेगा। अब आते हैं 18 नंबर टाइप में, ए व्यक्ति बी के मुकाबले 3 गुना काम करता है, पहला कंडीशन दिया है, ये एसएससी में आया हुआ था, सीजीएल लेवल का है तो बड़ा सवाल, सीधा सा सवाल, ए के मुकाबले 60 दिन पहले बी काम कर लेता है, सॉरी यार यहां पे एक चीज छूट गया है जिसे मेरे को लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन अनर्थ बन जा रहा है। यहां पे मेरे को लिखना है क्या है, यहां पे ये टाइपिंग में छूटा हुआ चीज है, यहां पे जो लिखना है ए जो है बी के मुकाबले 60 दिन पहले काम कर लेता है, क्योंकि
ए तीन गुना काम कर रहा है, ए जल्दी काम कर रहा है, वहां तो उसका मतलब हो गया था बी जल्दी हो गया था, तो फिर ए के तीन गुना काम करता है। फिर बोलता है ए बी के मुकाबले 60 दिन पहले काम कर लेता है, ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा। अब देखो ए बी के मुकाबले, ए बी के मुकाबले तीन गुना काम करता है, ठीक है ना, तीन गुना काम करता है। अगर हम पकड़ते हैं ए 30 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, ए अगर 30 दिन में काम करता है तो बी को ज्यादा दिन लगेगा ना, तीन गुना टाइम लगेगा ना, बी को कितना दिन लगेगा, 90 दिन। तो अगर बी से ए को घटाते हैं तो कितना होता है, 60 दिन। जरा ध्यान से समझना, मतलब ए अगर तीन गुना काम करता है, बी अगर एक गुना काम करता है, घटाएंगे तो तीन गुने से एक गुना घटाएंगे तो क्या होगा, दो गुना। तो यहां बोला गया दो गुना बराबर 60, तो तीन गुना बराबर क्या होगा, दो गुना अगर 60 है तो एक गुना 30 होगा, तीन गुना 90 होगा। क्लियर? तो फिर हम पकड़ लेते हैं कि ए 30 दिन में काम करता है, क्या कि ए ज्यादा तीन गुना काम करता है ना, ये दिन है, दिन कम लगेंगे, और बी को जो है इसके तीन गुना समय लगेगा, 90 दिन। अब देखो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, तो ये 90 है तो 90 ईटा उठा रहे हैं, एक जो है तीन ईटा हर दिन उठाता है, क्या कि 30 से ये अब तो वही समझ में आया, बी जो है एक ईटा उठाता है, ए और बी क्या है चार ईटा हर दिन उठाएगा, तो 90 ईटा को उठाने के लिए 90 डिवाइडेड 4 बराबर 22 पूर्णांक 1/2 दिन। तो आशा करता हूं इस सवाल में भी बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सवाल टिपिकल सवाल में से है, तो ये भी हमने कर लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने रेगुलर मेथड में किया थोड़ा सा चेंज करके, क्या कि ये जो सवाल है, ये सवाल आपके अगर मैं इससे करने जाता हूं ईंटे के हिसाब से थोड़ा लंबा हो जाता है। तो देखो पहले बोला है कि 6 आदमी और 8 बच्चे 10 दिन में काम करते हैं, फिर बोलता है 26 आदमी और 48 बच्चे 2 दिन में काम करते हैं, फिर पूछा है भैया 15 आदमी और 20 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे। अब देखो हम पहले 2 को लेते हैं, इसमें कोई गुणक है कि नहीं देखते हैं, तो 2 को 5 से गुणा करने पर 10 होता है, 2 को 5 से अगर हम गुणा करते हैं 2 में तो यह 10 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 को 5 से गुणा करने पर यह 10 होगा। मैं क्या बोलता हूं, 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो यह 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो 10 तो है ही है, लेकिन मैं बोल ऐसा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, देखो क्योंकि ये एक दिन का हिसाब जब लेते हैं तो ये 1/10 होता है, ये जब लेते हैं 1/2 होता है, ठीक है ना, तो वो सारे स्टेप्स को मैं हटाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये 2 है 10 होगा, तो मतलब इसको अगर 5 से गुणा करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन मजे की बात है मैं जब देखता हूं इसको 5 से गुणा करना है तो मैं इसको गुणा कर देता हूं। देखो यहां पे 6 मैन प्लस 8 बॉय 10 दिन में होगा, 26 मैन प्लस 48 बॉय 2 दिन में होगा, इसको इसके बराबरी करने के लिए क्या करना होगा, इसको 5 से जो है इसको गुणा कर देते हैं। तो देखो 5 6 30 मैन, 5 8 40 बॉय, तो ये भी 10 दिन हो गया ना, ये तो 10 दिन है ही है, मतलब ये जो मान अब हो गया इस मान के बराबर हो गया, तो ये बराबर हमने 26 मैन प्लस 48 बॉय लिखा। अब मैन को एक जगह करते हैं, 30 मैन से 26 मैन हटाया, 48 बॉय ये प्लस था तो इधर माइनस चला गया 40, तो मतलब 4 मैन बराबर 8 बॉय, अगर काटते हैं इसे तो 4 दूनी 8 होता है, 1 मैन बराबर 2 बॉय हो गया। अब हमें क्या बोला हुआ है, अब हमें पहले के फिर कंडीशन को लेते, ये पार्ट वन हुआ मेरा, तो इसमें हमने क्या किया था एक बार फिर से देख लेते हैं यार। ये 2 था, हम इसको 5 से गुणा करते हैं तो ये दोनों 10 हो जाएगा, अगर ये दोनों 10 हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम 5 से इसको गुणा कर दिए तो 5 6 30 5 8 40 बराबर ये लिख दिया 26 मैन और 48।
अब मैन मैन को एक जगह करते हैं, 30 से 26 घटाया और 48 से 40 घटाया तो 4 मैन बराबर 8b, 1 मैन बराबर 2b। यहां तक मामला खत्म हो गया। अब आते हैं कि मेरे को बोला है कि 6 मैन प्लस 8b बराबर 10 डेज, तो बोला हुआ है ना भैया, तो 6 मैन को जो है हम इसे बच्चे में कन्वर्ट करते हैं। एक आदमी बराबर 2 बच्चा था, 6 आदमी बराबर 6 × 2 मतलब 12 बच्चा। तो यहां बोला था कि 6 आदमी 8 बच्चा 10 दिन में काम करता है, हमने आदमी को बच्चे में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 आदमी को 2 बच्चे से गुना किया तो 12 बच्चा प्लस 8 बच्चा 20 बच्चा 10 दिन में काम करता है। तो एक बच्चा बहुत ज्यादा दिन लगेगा, कितना ज्यादा दिन लगेगा ये गुना में चला जाएगा, 10 × 20 होगा, मतलब एक बच्चा 200 दिन में काम करेगा, एक बच्चा उसी काम को 200 दिन में करेगा। अब हम आते हैं इस पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया, आदमी और बच्चे का रिलेशन निकाला। दूसरे पार्ट में हम एक बच्चा कितना दिन में करेगा काम उसे निकाला। अब क्या है कि 15 आदमी और 20 बच्चे को सारे को बच्चे में चेंज कर देंगे। पहले 15 आदमी और 20 बच्चा, तो 15 आदमी बराबर एक आदमी 2 बच्चे के बराबर है, तो 15 × 2 तो 15 × 30 और 20 मतलब 50 बच्चे हो गए। अब अगर एक बच्चा 200 दिन में काम करता है तो 50 बच्चा कितना दिन में काम करेगा, 200 / 50 बराबर 4 दिन आंसर हो गया। मैं मानता हूं दोस्त ये अभी मेरे पास तर्क संगत रूप से इसे छोटा करने की विधि जो इस जैसे मैं करता हूं इस केवल मैथ में नहीं दिखा। लोगों ने बहुत कुछ दिखाया लेकिन वो मैं कहीं ज्यादा उससे नहीं करता हूं, क्या कि देखा है कहीं वो फंस जाते हैं। तो जिसके लिए ये जो है स्वाभाविक सिस्टम के अंदर में रखा, बस इसी मैथ को मैंने। अब हम आते हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि जैसे फिर हम देखो टाइप 1 टाइप 20 लिख दिया, ये क्या नजारा हो गया। अब देखो हम नल की बात करते, थोड़ा ये बात वही है, थोड़ा हल्का सा समझ लेते हैं। ए नल 15 घंटे में किसी हौजे को भरता है, बी नल 30 घंटे में किसी हौजे को भरता है, तो दोनों मिलके कैसे भरेंगे। तो हम क्या किया, 15 और 30 का 30 ले लिया जो पहले हमने काम का लिया था। अब 15 घंटे में जो है 30 लीटर भरता है, ये 30 लीटर है, तो एक घंटे में ए कितना भरेगा, 2 लीटर घंटे में भरेगा। बी अगर है 30 लीटर एक घंटा भर, 30 लीटर भरता है 30 घंटे में, एक घंटे में कितना भरेगा लीटर, देखो ईंटा से खाली लीटर कर दिया प्रभु और कुछ नहीं किया मैंने। तो ए प्लस बी, तो 2 लीटर ए भरेगा, 1 लीटर ए बी भरेगा, दोनों मिलके 3 लीटर भरेगा। 30 लीटर भरना है भैया तो 30/3 बराबर 10 घंटे में भर जाएगा। फिर बोलता है कि 2 नल जब चालू रहता है तो 15 घंटे में हौजा भर जाता है, और अगर बी नल चालू रहता है तो वही हौजा जो है तो 60 घंटे में भरता है। तो ए नल को खोल दिया जाए, बी को बंद कर दिया जाए, तो कितने में कितने देर में हौजा भरेगा। हम पहले 60 और 15 को देखते हैं, हाँ 60 जाएगा, क्या कि 15 चौके 60, 60 भर दिया। अब ए प्लस बी दोनों नल जब खुला रहता है तो ये 60 लीटर पानी जो है 15 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में 4 लीटर भरता है, और बी को ये 60 लीटर भरने में 60 घंटा लगता है, मतलब बी 1 लीटर प्रति घंटे में भरता है। तो फिर क्या है कि बी ए कितना घंटे में भरेगा, मतलब ए प्लस बी से अगर मैं बी घटा दूं तो ए बचेगा। तो ए प्लस बी 4 लीटर भरता है और बी जो है 1 लीटर उसमें से भरता है, तो घटा दिया तो 3 लीटर जो है, 3 लीटर क्या ए भर रहा था। तो 60 लीटर को ए अकेले अगर भरेगा तो उसकी तो हमें चल गया ना 3 लीटर करके 20 लीटर प्रति घंटा। अब आते हैं जैसे 3 आदमी था, ये 3 नल हो गया, कहे कि आदमी और नल की कहानी तो एक ही तरफ जाता है। तो इसके लिए मैंने इसलिए देखा कि अब जो है अगर इस चीज को ठीक से देखा जाए तो सारे जो मैथ है उस पे नल के मैथ नहीं बनते हैं। इसके लिए मैंने खाली दिया हुआ है कि दो मैथ इसमें इस टाइप में आते हैं। तो ये जो नियम है उसमें मैंने देखा एक खाली मैथ हमारा नहीं बना, नहीं सारे बन गए, तो 29 मैथ इस नियम पे बैठते हैं। चलो एक
15 ए नल 15 घंटे में भरता है, बी नल 60 घंटे में भरता है, सी नल 40 घंटे को भरता है, तीनों नल को खोल दिया जाए तो हौजा कितने दिन में भर जाएगा। वही करते हैं, तो हम 60 लेते हैं तो 40 तो नहीं जाएगा, तो 60 को दूना कर देते हैं 120, तो हाँ 40 की 160, 120 तो फिर ए 15 घंटे में 120 लीटर भरता है, मतलब 8 लीटर प्रति घंटे, बी 60 घंटे में 120 लीटर भरता है तो 2 लीटर प्रति घंटा, सी 40 घंटे में भरता है तो सी है 3 लीटर प्रति घंटा, तो तीनों मिलके तो 8 दो 10 प्लस 3 13 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, तो 120 लीटर भरने में 120 भागा 13 बराबर 9.3/13। मेरा संपूर्ण आशा है और बिलीफ है कि आप इसे जरूर अपनाएंगे, क्योंकि अगर अपनाएंगे तो गलतियां होने की संभावना, क्योंकि कम लिखा जाता है तो कम गलतियां होता है, और अगर दो बार करते हैं तो समझ के साथ जाता है, तो ये आप परीक्षा हॉल में गड़बड़ाता नहीं है, ईटा का हिसाब है, यहां देखेंगे भिन्न का हिसाब यहां दिखाई नहीं है आपको, वो जो हुआ ना आधा काम हुआ, 1/2 हुआ था, 1/2 कितना काम कितना होगा, ये सब नहीं था, यहां तक कि मैंने भी जो ब्लॉक मेथड उससे किया था मैंने, यहां जैसे ही हमने ईंटे के हिसाब से उस तरह आ गए, वो सारे चीज जो है कपूर बन के उड़ गए, आपको कुछ भी नहीं दिखा। तो आशा करता हूं कि ये चीज अपनाने लायक है, आप इसे जरूर अपनाइए, और आपके सफलता के लिए मेरा तो ऊपर वाला से हर वक्त प्रार्थना है। ओके, अब विदा दीजिए, और विदा देने के पहले कुछ बातों को मैं और बोलना चाहूंगा। वो क्या है कि कुछ लोगों ने अभी तक मेरे को बोलते हैं कि लिख के कि सर आपका वीडियो रिलीज हुआ, तो कहीं लगता है कि मेरे सारे वीडियोस उनको मिलते नहीं है, या तो नोटिफिकेशन पहुंचते नहीं है, तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचने का कारण यह भी होता है कि सब्सक्राइब नहीं किया गया है, और जो हाल ही में सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको 4-5 दिन ज्यादा वक्त लगता है, तो इसके लिए उन्हें देर हो रहा है, और आपका समर्थन मेरे को वो मनोबल देगा।